आइए, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं आप सबके लिए एक बेबी सॉक्स लेके आई हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाती है, 10 मिनट से भी कम समय में ये आपकी बन के रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओसवाल की 4 प्लाई ऊन लेंगे और क्रोशिया नंबर 3.0 mm क्रोशिया लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम 17 चेन लेंगे, यानी 17 चेन लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से करते हुए हम 17 चेन ले लेंगे। टोटल यहाँ पे हमने 17 चेन ले ली है। अब जो ये धागा लगा हुआ है, इस चेन को छोड़ते हुए इसके नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे धागा लेते हुए, और यहाँ पे हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर से यहाँ पे लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन पे डालते हुए हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, 3 फंदे जिसे हम एक साथ निकालेंगे इसे हाफ डबल क्रोशिया करते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 हाफ डबल क्रोशिया बन के आएगी, यानी 16 हाफ डबल क्रोशिया बन के आएगी। तो पूरी लाइन हम बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया की। पूरी लाइन हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ 1 और ये 2 चेन ले लेंगे, इधर पलट जाएंगे हम। अब पहली चेन में ही डालते हुए फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ पे 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर इसके अगली वाली चेन में डालेंगे, फिर से 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। यहाँ पे जो हाफ डबल क्रोशिया है, ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको हाफ डबल क्रोशिया नहीं लेना है, छोटे लेना है। अगर क्रोशिया और थोड़े से कम लेते हैं, 2 mm डी क्रोशिया आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, 3 फंदे एक साथ निकालेंगे, फिर लेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर से हम टोटल 16 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और इसी लाइन को दोहराते हुए हमें 2 इंच तक इसकी बुनाई करनी है। 2 इंच के बाद, बुनाई करने के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो चलिए इसे 2 इंच तक हम बुन लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाती हूँ आगे आपको। बस यही 16 के ऊपर 16 बनाते हुए जाना है आपको, 16 के ऊपर 16 हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच की बुनाई हमारी हो गई है, 2 इंच की बुनाई हमारी यहाँ पे, यानी 6 लाइनें कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे इस तरह से, और इस धागे को टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे चेन लेंगे 1 और ये 2, 2 चेन लेने के बाद इधर पलट जाएंगे हम, और शुरुआती चेन में ही डालते फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब जो ये ब्लू कलर की मैं बना रही हूँ, यानी लाइट ब्लू, इससे हम 4 इंच की बुनाई करेंगे इसकी लाइन, यानी 6 दूनी 12 लाइनें इसकी कंप्लीट करेंगे हम। हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, टोटल 12 लाइनें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 6 लाइनें में हमारी 5 सेंटीमीटर हुई है, सॉरी 5 सेंटीमीटर हमने बनाया, यानी 2 इंच तक। अब इसकी बुनाई करेंगे हम 4 इंच तक, इसका डबल करना है बीच में आपको। तो चलिए बना लेती हैं इसी के ऊपर, सिर्फ बस कलर चेंज करना है आपको। उसके बाद फिर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी 4 इंच। इसके बाद फिर से हम कलर चेंज करते हुए हम यहाँ पे फिर से हम येलो कलर लगाएंगे। चलिए तो पूरी लाइन बना लेती हूँ इस कलर से, 12 लाइनें। उसके बाद फिर कलर चेंज करके फिर से 6 लाइनें हम ये बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बुनाई करते हुए हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 6 लाइनें बनाई है, यहाँ से जो ब्लू लाइन दिख रही है 12 लाइनें बनाई है, फिर यहाँ से कलर चेंज करते हुए मैंने यहाँ पे 6 लाइनें फिर से बनाई हुई है, यानी 6, 12, फिर 6। अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर येलो कलर की सिलाई करेंगे, इस तरह से हमें इसे पकड़ना है। और ये भाग सिलते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे हम, नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं उसी तरह से करना है। इस तरह से करते हुए
तो देखिए यहाँ से सिलते हुए जाएंगे हम। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और इतनी दूर छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिल लिया। अब जी ब्लू भाग नीचे की है, इसे हम गोलाई में घुमाते हुए सिलना है। तो इस तरह से हम लेंगे, अब इस धागे को पकड़ के हम इस तरह से खींच देंगे। अब इसे एक दो बार इधर से हम इधर निकाल देंगे इस फंदे को। अब यहाँ पे हम धागे को काट लेंगे। अब देखिए ये भाग बच गया, अब ये भाग किस तरह से सिलना है आपको। तो चलिए ऊपर का भाग सिल लेते हैं। अब यहाँ से इस तरह से डालेंगे, यहाँ भी हम उसी तरह से छोटी छोटी सिलाई लेंगे। इस तरह से लेना है आपको। अब यहाँ पे निकाल देना है इसे। तो देखिए इधर से इधर हमने कर लिए, तो ये धागा हमने यहाँ पे काटना था हमें, तब यहाँ से हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से धागे को खींचना है हमें, दोनों धागे को आपस में इस तरह से पकड़ के खींचना है हमें इस तरह से। यहाँ धागे को खींचते हुए यहाँ से टाइट करके बांध लेंगे हम इसे इस तरह से। दो तीन यहाँ पे गांठ लगा लेना है इस तरह से। अब देखिए इसे सीधा करते हैं, धागे को काट लेते हैं, उसके बाद फिर सीधा करके दिखाती हूँ मैं। तो देखिए सीधा करने के बाद ही हमारे सॉक्स कुछ इस तरह से बन गई है, और कितनी जल्दी है, कितनी ईजी है इसे बनाना। कुछ नीचे साइड से कुछ इस तरह से सोल दिखेगी इसकी, और यहाँ पर इसे आप एक बटन लगा लें, या फिर पॉम्पम लगा सकते हैं, या फिर बोटाई भी लगा सकते हैं इसमें बनाते हुए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। तो मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।